यार मैं उसके साथ मुलाकात करके सीधा इधर ही आ गया। अच्छा तू बता, तेरा क्यों मुंह उतरा हुआ है? बस यार क्या बताऊं अब तुझे, ISS भी दे आया था और आज नोट रिकमेंडेशन का लेटर आ गया। यार तू ये कितनी दफ़ा समझाया है, कोई काम काज कर ले, छोड़ दे ये पढ़ाई वढ़ाई, तुझे तो ऑफिसर ही बनना है। भाई जान मेरी बात कान खोल के सुन ले, ऑफिसर के बेटे ही ऑफिसर बनते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग क्लर्क या सिपाही बनते हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, एक ना एक दिन तो मंजिल को पा ही लूँगा। हर इंसान को उसकी मेहनत का फल लाजमी मिलता है और इंशाल्लाह मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तू बस लंबी लंबी छोड़ता है, होगा तुझसे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही अपने वालदैन के पैसे बर्बाद कर रहा है। यार तू बैठ इधर, मुझे कुछ काम है, मैंने जाना है। बिलाल तुम्हें मेरी बातों की क्यों समझ नहीं आती, तुम्हें अपने वक्त की कदर ही नहीं है, फजूल की किताबों में लगे रहते हो और रिश्तेदार आकर तुम्हारी जॉब का पूछते हैं। बाबा पता नहीं इन लोगों को मेरी इतनी फिक्र क्यों है, और बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, लग जाएगी कहीं ना कहीं जॉब। बस कर दे, ये सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं, तुम्हारी फूफी का लड़का ना वो लाखों रुपया कमा रहा है और तुम एक टका भी नहीं काम कर रहे। तो क्या करूं अब्बू, जगह जगह सीवी जमा कराई हुई है, अगर आप वो जॉब नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं, गन पॉइंट पे उनको बोलूं कि मुझे जॉब दो, क्या करूं मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। यार ये लोग मुझे हौसला देने के बजाय मेरी हिम्मत क्यों तोड़ने पे तुले हुए हैं? आज के बाद मैंने किसी को अपने प्लान्स नहीं बताने, मगर मुझे खुद को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। वो अली ने एक इश्तिहार दिया था, चलो जाता हूँ वहाँ इंटरव्यू दे आता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर आपको सब कुछ समझा देगा, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, सो आप कल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सर, मैं कंपनी का अपना बेस्ट दूंगा इंशाल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, चलो अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ पैसा तो आ जाएंगे जिससे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। यार सुना है अली की जॉब हो गई है? हाँ यार किसी मेडिसिन कंपनी में जॉब हुई है, बड़ी जलालत वाली है, 20,000 रुपये महाना तनख्वाह है, अब इतने मुश्किल दौर में कैसे गुजारा करेगा वो? इतनी तलीम के बाद ये जॉब ये तो ऑफिसर बनने के ख्वाब देख रहा था।